क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अ कार्ट कंटेनिंग सैंड इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द कॉन्स्टेंट फोर्स एफ, अ होल इज ओपन एट द बॉटम सो दैट सैंड फ्लो आउट एट द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ न्यू के जी पर सेकेंड, इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एट एनी इंस्टेंट इज वी देन द थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू दिस चेंज ऑफ मास इज, सिचुएशन क्या है, ये कार्ट है, मान लेते हैं ये एक कार्ट है, सैंड भरी हुई है और यहाँ पर एक होल हो रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है और किसी मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है वी, और यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो इस तरीके से सैंड जो है वो क्या हो रही है, आउट बाहर की तरफ आ रही है, फ्लो आउट हो रही है, और किस रेट से फ्लो आउट हो रही है, वो हो रही है न्यू के जी पर सेकेंड, न्यू के जी पर सेकेंड से फ्लो आउट हो रही है। अब हम जानते हैं कि थ्रस्ट फोर्स कितना होता है, थ्रस्ट फोर्स होता है एफ थ्रस्ट, एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू वी डी एम डिवाइडेड बाय डी टी, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, वी एम डिवाइड वी डी एम डिवाइडेड बाय डी टी, और वी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी होती है, जो मास यहाँ से फ्लो आउट हो रहा है उसकी वेलोसिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम, इस कार्ट के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होती है ये वी, इसकी जो फ्लो आउट हो रहा है यहाँ पर मास, लेकिन ज़रा ध्यान से देखें अगर हम लोग तो यहाँ पर जो मास फ्लो आउट हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी आएगी, वी ही आएगी, जितनी कार्ट की वेलोसिटी है उतनी ही इसकी भी वेलोसिटी होगी, इनिशियल में जब ये नीचे ड्रॉप हो रहा होगा, फ्लो आउट हो रहा होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब ये फ्लो आउट हो रहा होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस मास की जो यहाँ पर म्यू के जी पर सेकेंड से निकल रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, रिलेटिवली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, रिलेटिवली जीरो, और ग्राउंड के फ्रेम से देखें तो इसकी वेलोसिटी कार्ड की वेलोसिटी के बराबर ही होगी और रिलेटिव कितनी होगी, जीरो, तो जब रिलेटिव वेलोसिटी ही जीरो हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी ही जीरो हो गई तो एफ थ्रस्ट कितना हो गया, जीरो, इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। चलिए